अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। मैं हूं आपका होस्ट शमीम अहमद, आपका स्वागत है मेरे चैनल शमीम व्लॉग में। दोस्तों 22 नवंबर को बारात इन द व्लॉग में, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बारात पहुंची थी। तो आज है वलीमा, सुहेल का वलीमा खतौली हो चुका था। 23 नवंबर को हम पहुँच नहीं पाए थे, तो आज है 24, हम इस वक्त मौजूद हैं चांद बैंक्वेट हॉल में। तो आज है दावत वलीमा, यानी उस्मान का है आज वलीमा। तो चलिए करते हैं टेंट और दिखाते हैं आपको यहाँ पे। आज तो चांद दिन में ही निकल चुका। दोस्तों वलीमे के साथ एक रस्म होती है जिसको बोलते हैं दशहरी। तो आज चुके दशहरी भी होगी, तो दुल्हन पहुंच चुकी है मैरिज हॉल में, यहीं से जो है आज वापसी जाएगी वो अपने घर पर। चूँकि दोनों ही जो है सास और ससुराल लोकल है, नजीबाद है, तो दुल्हन पहुंच चुकी है। भाई उस्मान अपनी जौजा को जो है उतार कर लाएंगे यहाँ पर इस हॉल में। आप देख सकते हैं ये है मंडप जहाँ पर दूल्हा दुल्हन बैठते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है दुल्हन पहुँच चुकी है मंडप पर और दूल्हा पीछे है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेहमानों का क्राउड धीरे धीरे अब बढ़ रहा है और आज है दावत वलीमा उस्मान का। तो चूँकि आज ज़्यादा कुछ तो नहीं होता, अहम सुन्नत है निकाह के बाद दावत वलीमा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और तो उसी तकरीब में आज हम सब मौजूद हैं माशाल्लाह। आप देख सकते हैं धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, खाना शुरू हो चुका है। तो चलिए देखते हैं और करते हैं कुछ लोगों से बातचीत। तो भाई इकबाल और अजीजुर रहमान आपस में जो है गुफ्तगू करते हुए, अजीजू भाई के बेटे का आज जो है दावत वलीमा है उस्मान का। कैसे अजीजू भाई? बहुत बढ़िया। तो माशाल्लाह बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट के साथ जो है खाना चल रहा है। जो दूल्हा है वो हमें मिल गए हैं और ले रहे हैं खाना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? थोड़ा पीछे तो करिए। नहीं नहीं, आप बोलें, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह 22 को बारात गई थी, आज है दावत वलीमा। कैसा रहा, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। खा लीजिए आप। मैंने खाना खा लिया है। आप लोग, आपके दर्शकों से भी खाना खाने की गुजारिश है? बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी लोग देख रहे हैं भाई उस्मान बोल रहे हैं सभी लोग खाना ले लें। तो ये हैं आज के दूल्हा, इनका हो रहा है दावत वलीमा। बहुत बहुत शुक्रिया, ले खाना। भाई महबूब, इन्हें ढूंढते ढूंढते आंखें थक गई हैं। ना तो ये 22 नवंबर को दिखाई दिए, ना तो ये 23 नवंबर को दिखाई दिए, अब दिखाई दे रहे हैं। देखो क्या वजह है जी, आप बताएं। वजह क्या? बिजी शेड्यूल है भाई का और क्या। अच्छा हा? तो बिजनेस है तो सभी का बिजनेस है, अकेले यही कर रहे हैं धरती पे? बिजी शेड्यूल है, बिजी। इस पृथ्वी के गोले पे सिर्फ यही बिजनेस कर रहे हैं क्या? ये पृथ्वी पे कहाँ रहे हैं, तो चांद पे रहे ना। अच्छा अच्छा, तो कब लौटे चांद से? सुबह 4 बजे। अच्छा अच्छा, तो मंगल ग्रह पे चल रहा होगा बिजनेस? तो मंगल ग्रह बिजनेस चल रहा है। अच्छा अच्छा, तो आखिर आप धरती पे लौट ही आए, कैसे महसूस कर रहे हैं इतने दिनों बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों लंच हम भी कर चुके हैं, अब देखते हैं डिजर्ट में क्या है। तो लेते हैं मीठा। डिजर्ट में रसगुल्ले और गाजर का हलवा है, ये जो है सर्दियों की बहुत ही फेमस आइटम होती है। लाओ सर एक डोना हमें भी दे दो। तो चेक करते हैं कैसा है। भाई सुलेमानिया मौजूद है चाय की चुस्कियों के साथ मजा लेते हुए, कैसा रहा? माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बात हो रही थी आपसे एक्सपीरियंस वगैरह की, वो सब समझा दिया गया था? समझा दिया था। तो आज का ये प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, चांद बैंक्वेट हॉल में ये प्रोग्राम चल रहा है। माशाल्लाह धीरे धीरे क्राउड बढ़ रहा है मेहमानों का और लोग आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे, कुछ मैसेज दें? बस आए खाना एंजॉय करें जी। तो सीनियर सिटीजन जोन इधर है, क्या कहेंगे आप? नाराज तो नहीं हो सीनियर सिटीजन जोन का? नाराज भी है भाई। क्यों? देर में हमारे पास आए तुम। अच्छा इसलिए नाराज है? इसलिए नाराज भाई, बूढ़ों का काम तो बाद में आशीर्वाद देने का होता है। नहीं, शुरुआत भी उन्हीं से होनी चाहिए। अच्छा, अब
अब शुरुआत कहाँ हो रही है उनसे? नहीं, आपको बाद में आ रहा हूँ हमारे पास। अब तो बड़े मियाँ को लिफाफा लेने के लिए बिठा देते हैं, चलो साइड में जाओ। तो यहाँ पर जो मौजूद है हमारे मेहमान भाई फैजान है, अशरद भाई, अली जामिन भाई, करिए शायद लेडीज डिपार्टमेंट में क्या हो जा रहा है? इमार साहब लेट हुआ है। अच्छा लेट हो गए आप हमेशा, कहीं तो इतनी सवेर आ जाते हो, कहीं इतना लेट। ये तो घर का प्रोग्राम था और इतना लेट क्यों, क्या वजह रही? काम से थोड़ा छुट्टी लेट हुई वहाँ से। अच्छा, हुआ तो इस वजह से। अच्छा अच्छा, प्रोग्राम तो में भी लेट हो गए। भाई फैजुर रहमान कोतवाली मुस्लिम फंड में जॉब करते हैं, वहाँ से आने में थोड़ा लेट हो गया। जल्दी खाओ और फिर मेहमानों को खिलाओ। भाई यासीन लड़की के फादर हैं, दशहरी एक रस्म होती है, दावत वलीमे के बाद दुल्हन को ले जाते हैं। और जाओ भाई मुजफ्फरनगर से पहुँचे, डॉक्टर इकबाल साहब पहुँचे अलहमदुल्ला, दोनों इकबाल एक जगह मौजूद हैं और यहाँ पर बैठे हैं। अतीक भाई कैसे हैं? अतीक भाई अल्लाह का सब, आप खाना ले चुके? अभी तो नहीं लिया, अभी इंतजार है, आ रहे हैं आज। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, ठीक है। तो अलहमदुल्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? कैसे हैं? मजा आ गया। वालेकुम अस्सलाम। तो सर ना तो 22 में दिखाई दिए, ना शायद 24 में पहुँचे, 23 में पहुँचे थे कल खतौली। भैया अल्लाह का जब हुक्म होता है हाजिर हो जाते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो आज पहुँचे हैं प्रोफेसर साहब, दिल्ली से तशरीफ लाए भाई जिया हमारे साथ जुड़ गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो सर और नहीं हाजी जी वगैरह पहुँचे? नहीं, सब आ रहे हैं रास्ते में। अच्छा अच्छा, सब पहुँचे हैं। तो मुजफ्फरनगर से और दिल्ली खतौली तमाम तरह लोग यहाँ जो है तशरीफ लाए। फोटो शूट हो रहा है, एक एक पल को जो है कैद करना चाहते हैं। तो लेके 20 तारीख से आज 24 हो गई है, हामिद भाई का जो है इंशाल्लाह निकाह होगा 27 जनवरी को। तो मैं जरा सा जानना चाहूंगा कितना कुछ जो है ऑब्जर्व किया इन मैरिज में, के क्या एक्सपीरियंस किया? सब ऑब्जर्व कर लिया मैंने, मैंने देखा पब्लिक जो है हलीम बिरयानी पे, हलीम बिरयानी और खीर पे, हलीम बिरयानी खीर और वाइट जो है चिकन वो ही बहुत अच्छा हो रहा है माशाल्लाह। वाइट चिकन तो इतना लोग पसंद ना कर रहे, लेकिन हलीम बिरयानी है मस्त। हलीम बिरयानी वाकई इसमें कोई शक नहीं, ज्यादातर मोस्टली लोग जो है हलीम बिरयानी ज्यादा खा रहे हैं। मैंने देखा आपकी प्लेट में भी वही थी, मैंने भी वही खाई। मैं चेक कर रहा था ऐसे है क्या। तो इंशाल्लाह सही से मुलाकात होगी 27 में। तो दोस्तों डिनर में कॉफी भी है और चाय भी है, इधर लगी हुई है, चलिए लेते हैं चाय। तो भाई गुफरान पहुंचे हैं आज खतौली से यहाँ पर बारात अटेंड करने, कैसे हो भाई गुफरान? बढ़िया। तो कैसा रहा प्रोग्राम, खाना ले चुका? खाना ले चुका, बढ़िया रहा। अच्छा तो मजा आ रहा है चांदनी महल हॉल में? तो ये भाई गुफरान के फ्रेंड और ले रहे हैं कॉफी का मजा। माशाल्लाह भाई आमिर आमिर और यहाँ पर जो है गुफ्तगू करते हुए अटेंड करने पहुँचे हैं बड़े बड़े लोग, हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं आमिर भाई। कैसे आमिर भाई? अल्लाह का शुक्र है। तो कब आए सर? कल आए थे दिल्ली से। अच्छा कल पहुँचे थे जी। तो खतौली और यहाँ का एक प्रोग्राम था बारात का, वो नहीं अटेंड कर पाए? दिल्ली थोड़ा मशरूफ थे तो नहीं आए। अच्छा अच्छा। तो भाई कामिल भी मौजूद हैं, हामिद भाई भी हैं, अली जामिन भाई, कैसे हैं भाई कामिल? बढ़िया है अल्लाह का शुक्र। और क्या चल रहा है लाइफ में सर? लाइफ बिजी चल रही है। लाइफ बिजी चल रही है, तो थोड़े से जो है फुर्सत के पल मिल गए जी 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 इस प्रोग्राम के जरिए जी जी जी। तो इनसे मुखातिब ये कुछ कहना चाह रहे हैं, ये तो आपके नहीं, ये नजीबाद के खास है, बिरादरी के खास है जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। तो कुछ कहें आज जो है क्या क्या इंतजाम? ये मैनेजमेंटर है आज के जी। माशाल्लाह बढ़िया चल रहा है प्रोग्राम, बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, क्राउड बढ़ चुका है, मेहमान लगभग आज फ्राइड आ चुके हैं, जुमे की नमाज के बाद लोग ज्यादा पहुंचे हैं जी, चुका आज फ्राइडे भी रहा जी, नमाज की वजह से लोग तरमीन टाइम पर जी 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 बिल्कुल। तो लीजिए एंजॉय, समत कॉफी का एंजॉय लेते हुए और मार साहब जो है बिरयानी का एंजॉय ले रहे हैं। तो समत साहब कैसा लगा प्रोग्राम, कैसा रहा आज का प्रोग्राम? माशाल्लाह बढ़िया है, बढ़िया है। खाने में अगर आप जो है बात करें, कौन सा किस चीज का टेस्ट सबसे बेहतर रहा? अगर जी वीडियो सब देखें, अगर मैं कहने लगूं वो टेस्ट बेकार था, वो टेस्ट नहीं नहीं तो सबसे बेहतर कह रहा हूँ, दिल पे कुछ और ही गुजरा हुआ नहीं, माशाल्लाह सबसे बढ़िया। मेरा कहने का मकसद ये है कि फ्रूट में आम जो है बादशाह है, मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि सबसे बेहतर क्या रहा खानों में, बिरयानी थी, वाइट कोरमा था,
नहीं फ्रूट नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक टेस्ट सबसे अलग होता है। खाना ओवरऑल बढ़िया है माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा कहने का मुराद ये है कि सबसे बेहतर क्या लगा, लोग ज्यादा हलीम बिरयानी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सबसे बेहतर बिरयानी वाइट चिकन। हाँ मैंने नहारी खाई। जी जी, तो माशाल्लाह नहारी काफी अच्छी टेस्टी है। जी जी, नहारी काफी अच्छा रहा। बिल्कुल, गोश्त भी उसमें बहुत गला हुआ है, साफ बहुत ही अच्छा रहा। हाँ माशाल्लाह, खाना बिरयानी ले रहा हूँ तो बिरयानी माशाल्लाह काफी टेस्टी। बिल्कुल बिल्कुल, और एक वाइट चिकन लिया मैंने। जी जी, तो वाइट चिकन भी माशाल्लाह काफी टेस्टी है, बढ़िया है माशाल्लाह। लिया गया, अभी नाश्ता वगैरह लिया नहीं। जी जी, वो देखते हैं नाश्ते में क्या क्या आइटम है। डिजर्ट में तो गाजर का हलवा है, रसगुल्ले हैं, बढ़िया है माशाल्लाह। और जैसे समझ साहब कॉफी पी रहे हैं, कॉफी है तो समझ साहब भाई फैजू चल आ रहा है, बढ़िया बढ़िया रहा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है भाई। तो सर आप कोतवाली ब्रांच में हेड ऑफिस हैं या नजीबाबाद में? नजीबाबाद। अच्छा, हेड ऑफिस अकाउंट सेक्शन में। अच्छा, नजीबाबाद का जो मुस्लिम फंड है उसके हेड ऑफिस में सर जॉब करते हैं और भाई फैजू कोतवाली करते हैं। तो खाना ले लिया आपने सर? जी बिल्कुल। कैसा रहा? माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और खाना भी बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, लीजिए एंजॉय। तो भाई शाकिर, भाई शाकिर पीछे नहीं छुटा अभी? छुट गया, पीछे सब चल रहा है। कहाँ चल रहा है? नहीं मैं इससे कह रहा हूँ, इससे पीछे नहीं छुटा। यहाँ पर कुछ गुफ्तगु चलती हुई भाई प्रोफेसर साहब अजीजुर रहमान भाई और एक दो हजार यहाँ पर मौजूद हैं माशाल्लाह। आबिद भाई भी पहुँच चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आबिद भाई? सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खैरियत से हैं? बिल्कुल। तो कब आए सर दिल्ली से? दोपहर 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 आए थे जी जी। तो सर कल और परसों नहीं दिखाई दिए, दो प्रोग्राम? परसों का बुलावा नहीं था हमारा। अरे अच्छे ही तो कमाल, आज का ही मिला था। तो ऐसी शख्सियत को भी भूल गए लोग, पता नहीं भाई कार्ड पहुंचाना हो हमारे पास। तो ये तो बहुत ही गलत बात है, मैं अपने यूट्यूब चैनल से जो है बिरादरी तक ये मैसेज देना चाहता हूँ, ऐसे कीमती आदमी को कार्ड ना बेचकर अपना ही नुकसान किया लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अभी बैठे हुए अजीजुर रहमान मेहमानों को स्वागत करते हुए और लोगों को ले जा रहे हैं खाने की तरफ। असद भाई खाना खा चुके हैं आप? जी खाना खा लिया। कैसा रहा प्रोग्राम? बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा माशाल्लाह। तो अजीजू भाई तमाम मेहमानों को जो है खाने की तरफ ले जाते हैं। फैजान साहब पहुंच चुके हैं सहारनपुर से निजीबाद, कैसे हैं फैजान भाई? जी बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। बहुत दिनों बाद किसी प्रोग्राम में मुलाकात हो रही है, कुछ कम कर रहे हैं अटेंड प्रोग्राम, क्या वजह है? बस आपसे मुलाकात बहुत दिनों बाद हुई, प्रोग्राम जो पूरे अटेंड हो रहे हैं जी। नहीं कल और परसों शायद आए थे आप? कल परसों नहीं आप जी, उसमें नहीं आ पाए आप। तो लीजिए खाना, इंशाल्लाह होगी मुलाकात। भाई नसीब और अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? और कबाई तशरीफ अभी अभी आए? अच्छा, और नसीब भाई अब माशाल्लाह हेयर स्टाइल बहुत खूबसूरत लग रहा है, तुम्हारे से भी ज्यादा खूबसूरत हेयर स्टाइल लग रहा है माशाल्लाह। क्या राज है, कौन सा शैम्पू यूज हो रहा है सर? कुछ भी नहीं, नहीं माशाल्लाह जबरदस्त माशाल्लाह। वो है ना एक गायकार पाकिस्तान का, एक तो है आतिफ असलम और एक और है लड़का, सेम ऐसा लुक रख रहा है वो माशाल्लाह जैसा आपका। और आप भी कुछ फरमा दो या खाते ही रहोगे? ये बेताब फिल्म में सनी देओल है माशाल्लाह। ये है भाई फैजान की बेटी, क्या नाम है आपका? फातिमा। कौन से स्कूल में पढ़ रही हो आप? सेंट मैरी। तो कौन सी क्लास में हो? LKGC। माशाल्लाह, तो खूब मन लगा के मेहनत के साथ पढ़ो और पापा का मम्मा का नाम रोशन करो, ठीक है? भाई शाकिर सी साहब यहाँ फोटोग्राफी करते हुए, सर साहब यहाँ लोगों से मुलाकात करते हुए, साहब मुलाकात करते हुए माशाल्लाह। और यहाँ पर बैठे हुए हैं इकबाल भाई और फैजान भाई, हाजी मुजीबुर रहमान साहब, सलाम। और आप देख सकते हैं प्रोग्राम पर अभी भी लोग इंजॉय करते हुए। जफीर यहाँ पर जो है गुब्बारे के साथ एंजॉय करते हुए, तो जफीर यहाँ गुब्बारे के साथ एंजॉय करते हुए और भी बोना लग रहा है कोट पैंट में। तो प्रोफेसर साहब से मुलाकात करते हुए, भाई हसीब अली जामिन, फैजुर रहमान, भाई शाकिर और
हाँ जी अब्दुल्ला चौधरी अकील साहब पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, सब दुआ है आप। तो चौधरी साहब कल परसों नहीं पहुंचे आप, क्या वजह रही? परसों असल में भतीजा आ रहा था वो उमरे से। जी अच्छा, से लेने दिल्ली गए हुए थे। अच्छा अच्छा, दिल्ली गए हुए थे तो ठीक है आप, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत वगैरह ठीक है, इंशाल्लाह होगी मुलाकात। दोस्तों ये था आज का दावत वलीमा का प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम दो चीज़ों से ज़्यादा सक्सेस होता है, नंबर एक खाना और नंबर दो वहाँ का मैनेजमेंट डेकोरेशन। तो माशाल्लाह अगर खाने की बात की जाए तो नंबर वन खाना और यहाँ के इन्वायरमेंट की, यहाँ की मैनेजमेंट की बात की जाए तो माशाल्लाह वो भी बहुत बेहतर रहा। तो खाने में स्पेशली तौर पर लोगों को दलीम, वाइट चिकन और निहारी ये ज़्यादा पसंद आई। और मैनेजमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर सिटिंग और स्टैंडिंग दोनों ही तरह से खाना था, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये आज का प्रोग्राम रहा। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ नोटिफिकेशन को ऑन करें बेल आइकन को दबा करके, और प्लीज़ वॉच माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़। तो शायद ज़फ़ीर को पसीना आ गया, खेलते खेलते कोट छोड़ दिया है उसने, कोट उतार दिया है ज़फ़ीर ने। गर्मी लग रही है।